Hello friends, my name is Vineet Sangha and you are watching my YouTube channel The Punjabi Rover. So, आज जो हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में या मैं आपको guide करने वाला हूँ वो है जब आप लेह लद्दाख जाते हो तो inner line permit कैसे लेना है. Because this is the thing that I have seen कि जो maximum लोग हैं जब भी वो you know खाना खाते हैं या कहीं coffee shop में मिलते हैं तो उनका ये concern रहता है कि how to get the ILP inner line permit from Leh. सो आई विल गाइड यू कि कैसे लेना है, क्योंकि कभी भी आप लद्दाख में जाते हो, मतलब लद्दाख में जो से बियॉन्ड ले, आप तुरतुक जाते हो, नुब्रा जाते हो, पेंगोंग जाते हो, सोमरेरी जाते हो, या चद्दर ट्रैक का भी अलग से परमिट है, तो जितने भी परमिट है ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं. आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फॉर्म भरना है, वो मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट क्या है, क्या क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए, और अगर आपने गलती कर दी तो क्या, हाउ टू इम्प्रूव दैट. क्योंकि आपको किसी भी इससे लिए कोई एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एजेंट्स जो हैं वो अपना मार्जिन लेते हैं, कोई पर पर्सन के हिसाब से लेता है तो कोई एक्यूमुलेटिवली जो आपके पूरे ग्रुप का लेगा. सो इससे अच्छा है ये आप खुद भी कर सकते हो, देयर इज नो रॉकेट साइंस. आप अपने एग्जाम भी भरते हो, ऑनलाइन भी आजकल सब कुछ हो चुका है, तो आप ये इनर लाइन परमिट है, यू कैन गेट दैट ऑन योर ओन. ये कहाँ से लेना है, यू हैव टू गो टू DC ऑफिस बिफोर फिलिंग द, मतलब आफ्टर फिलिंग द फॉर्म. आप पूरा फिल कर लो फॉर्म, वो कैसे करना है आई विल गाइड यू. और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा DC ऑफिस में जाके वही उनको प्रिंट हार्ड कॉपी वो दे देनी है, दे विल स्टैम्प ऑन इट एंड इट विल बी वैलिड. पर आपको कहाँ कहाँ ये चाहिए, आपको ये चाहिए जो आपको इनर लाइन परमिट की कॉपी चाहिए वो आपको, अगर आप खारदुंगला जा रहे हो या नुब्रा जा रहे हो वाया खारदुंगला, तो आपको सबसे पहले साउथ कुल्लू पे एक कॉपी चाहिए और उसके बाद नॉर्थ कुल्लू पे एक कॉपी चाहिए. ठीक है, एक तो खारदुंगला का जो लेह की साइड है वो साउथ कुल्लू है और उधर जो टुवर्ड्स नुब्रा है वो नॉर्थ कुल्लू है, तो एक एक कॉपी आपको वहाँ चाहिए. अगर आप पेंगोंग जा रहे हो डायरेक्ट फ्रॉम ले और फ्रॉम नुब्रा, तो तुरतुक एक जगह है जो दुर्गुक से 5 किलोमीटर अगे है, अवे है, चांगला से तकरीबन 40-50 किलोमीटर होगी, वहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट की एक कॉपी वहाँ पे सबमिट करवानी होती है विद ऑल द पर्सन, आपका बाइक डिटेल्स एंड ऑल, आपको पेन से लिख के उस पर साइन करके देना होता है. सो दैट इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग दे विल ट्रेस यू कि आप यहाँ से निकले हो या नहीं हो या वापस कितने बजे आए कि, तो दीज आर द थिंग जो आपको हेल्पफुल रहेंगी. तो इनर लाइन परमिट कैसे लेना है, कब लेना है और क्या क्या टाइमिंग्स है उसकी, किसके लिए लेना है, बच्चे के लिए अलाउड है या नहीं है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो फर्स्टली हम जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से हमें परमिट लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे नीचे अप्लाई फॉर परमिट का ऑप्शन है, आप क्लिक कीजिए. आपको डोमेस्टिक क्लाइंट पे यहाँ पे क्लिक करना है. यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हमें अपनी जिस ग्रुप के साथ या मेन आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे मैं नया नेम ले रहा हूँ दिखाने के लिए, YZA मैंने नेम लिया है, दिल्ली में सेलेक्ट कर रहा हूँ और आई टाइप मैं डालूँगा, जेंडर सेलेक्ट करूँगा. तो आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं, आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर जो भी पैन कार्ड वगैरह है, जो भी आप यहां पे आईडी डालिए और अपना एड्रेस डालिए. एक बात ध्यान रखिएगा कि आप ये जो भी इनपुट दे रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत मत कीजिए, क्योंकि सेम पर्सन दोबारा रजिस्टर नहीं होगा. तो यहां पे परमिट हमें डायरेक्टली लेना है, अराइवल आप डाल सकते हैं, मुझे आप डेट ऑफ अराइवल मैंने डाल रहा हूँ कि जिस दिन मैं ले पहुँचा. इसके बाद कैप्चा डाल के मुझे आगे प्रोसीड करना है. जैसे मैंने सबमिट किया तो अब ये मुझसे पूछेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अब मुझे बताना है कि वेदर आई एम गोइंग फॉर इंडिविजुअल परमिट और ग्रुप परमिट. सो यहाँ पे वी आर गोइंग फॉर ग्रुप परमिट, क्योंकि मेरे साथ और लोग भी हैं, तो मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये मेरे नाम से ऊपर रजिस्टर हो चुका है. यहाँ पर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ABB जो मेरे ग्रुप पार्टनर है, जो मेरा यहाँ पे उनका मुझे डिटेल डालना है, आधार, उसके बाद 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और मैं उनका एक ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर डाल के मैं रजिस्टर करने दिखा रहा हूँ आपको. सबमिट किया, अब दोनों का जो है वो रजिस्टर हो चुका है. नाउ आई हैव टू चूज़ द सर्किट कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे तुरतुक जाना है, पेंगोंग जाना है. तो यहाँ पर 8 सर्किट IDs आर अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं नुब्रा सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेट डाल रहा हूँ मुझे कब से कब तक चाहिए. तो ये आप यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक डे आप स्पेयर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पैसे हैं वो पर डे पर पर्सन लगता है. तो मैंने 3 दिन का जो लिया है
तो यहाँ पे देखिए अराइवल डे 25th, डिपार्चर डे 27th, सर्किट आईडी 2, ओके प्रोसीड। तो यहाँ पे जो मेरा पूरा परमिट का जो पूरा डिटेल आ जाएगा कि रेड क्रॉस फंड फीस कितना है या एनवायरमेंट फ़ी कितना है, और अब 3 दिन के हिसाब से पर पर्सन 20 रुपीज़ पर डे, तो 60 हो गया, तो 2% का 120। ये देखिए अभी रेड क्रॉस फंड 200 है, 100 पर पर्सन, एनवायरमेंट फ़ी 600 जो 300 पर पर्सन, और ये टोटल बन गया 920। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो फ़ी है ये ईयरली होती हैं, तो हमें अगर आप दोबारा एक ही सीजन में दोबारा विजिट करते हो तो यू नीड नॉट अप्लाई और यू नो गिव द सेम फी अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे जो आपको 12 साल के बच्चे या से नीचे की आपको जो है वो कोई फ़ी नहीं लगती। यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक ऑन ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज आप पीछे वाले पेज का प्रिंट आउट लेके आप सीधा डीसी ऑफिस जाइए और वहाँ पे जाके कैश जमा करवा सकते हैं। तो वहाँ पे वो स्टैम्प करेंगे और आपका जो वैलिड जो प्रूफ है वो आपका वैलिड हो जाएगा जो परमिट है। इसके साथ दोस्तों आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कौन कौन सी कितनी कॉपी है, जो कितनी इसकी जो फोटो स्टेट कॉपी कहाँ देनी है, तो आप अकॉर्डिंगली आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली आप जाइए, जो मैंने आपको गाइड किया वैसा कीजिए। इन केस आप अगर कोई गलती करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपका नाम ABC है तो आप ABC. लिख दीजिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो सेम नेम नहीं लेगा। ये जो एजेंट है वो भी यही प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विद द सेम डिटेल यू विल नॉट बी एबल टू यू नो रजिस्टर अगेन। थैंक यू।